हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में आरओआरओ और यूपी पुलिस की जो री एग्ज़ाम होने वाले है उसके से संबंधित करंट अफेयर्स। इसमें लगभग एक साल का हमें करंट अफेयर पढ़ना है। परीक्षा हमारी जुलाई में होनी है, तो आप समझ लीजिए कि जुलाई 2023 से लेकर जून तक का हमें करंट अफेयर देखना पड़ेगा, जून 2024 तक का। तो शुरू करते हैं। इससे पहले भी 2 या 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। ये बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है और इनमें इनकी डिटेल भी दी हुई है जो हमारे प्रश्नों में जितना आवश्यक है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला इसमें क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो यह 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है और अवधि में की गई वृद्धि 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें देखिए, प्रश्न जैसे आता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2020 में हुई थी, याद रखिएगा। अब यह योजना लागू रहेगी 2029 तक। ठीक है, इसके साथ ही इसमें क्या है, लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा प्रतिमा 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। और इसमें देखिए, 81.35 करोड़ गरीब व्यक्ति इस अधिनियम के तहत 2013 के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी आच्छादित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नवंबर 2023 में उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग में बचाव अभियान को पूरा कर लिया गया, इस बचाव अभियान का क्या नाम था? इसका नाम था ऑपरेशन जिंदगी। सुरंग हादसा भी हुआ था, सिलकियारा सुरंग हादसा 12 नवंबर 2023 को, बचाव अभियान क्या पूरा हुआ 17 दिन बाद 28 नवंबर 2023 को। अब इसमें थोड़ी सी इसकी भी डिटेल देख लीजिए। इसमें 41 श्रमिक फंसे थे। निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग की अवस्थिति कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग NH 134 पर। संबंधित परियोजना क्या है? सिलकियारा बेंड बड़कोट सुरंग धाम आल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। सुरंग की लंबाई है 4.5 किलोमीटर और सुरंग के निर्माता क्या है? नवयुग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन जिंदगी। और इसमें सफल भूमिका निभाई थी दिल्ली और मध्य प्रदेश के 6 रैट होल माइनर। रैट होल माइनर क्या होते हैं? रैट होल माइनर का उपयोग सामान्यतः 3 से 4 फीट ऊंची संकरी सुरंग खोदने के लिए किया जाता है, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने की व्यवस्था होती है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मेघालय में रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, अब अगला हम अपना प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2023 में आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुर्वेद में नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो अग्नि पहल की शुरुआत की गई है। अग्नि पहल की डिटेल देख लेते हैं। अग्नि पहल की डिटेल में अग्नि का पूरा नाम क्या है? आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, अग्नि इसको कहते हैं। ठीक है, शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक सत्यापन व साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से आयुर्वेद से जुड़ी व्यवहारिक प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कहाँ पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा की है? ऑप्शन ए खूंटी झारखंड पे। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसमें क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 29 नवंबर 2023 को और घोषणा स्थल क्या है? खूंटी झारखंड है। इस अभियान में क्या होगा, क्षेत्र 11 ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पक्के मकान, संपर्क मार्ग, नल जल आपूर्ति व सामुदायिक जल आपूर्ति, मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, छात्रावास का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा कौशल, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, बस्ती घरों का ऊर्जाकरण व सोलर ग्रिड प्रणाली का प्रावधान, सड़कों पर सौर प्रकाश व्यवस्था, वन धन विकास केंद्र की स्थापना, मोबाइल टावरों को लगाना। और उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से कमजोर 75 जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? देवघर में किया है, इसका आंसर होगा। उद्घाटन तिथि है 30 नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एम्स देवघर, ठीक है। और इसका लक्ष्य था मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का, और 2014 में 80 थी केवल। और अब देखिए इसमें एक और है, नया प्रस्ताव क्या आया है, 31 मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को किस नाम से ब्रांडेड किया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं, परिवर्तित नाम क्या हो गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। टैगलाइन इसकी क्या है, आरोग्य परम धनम। रीब्रांडिंग पूरा करने का लक्ष्य 2023 के अंत तक। आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब किया गया था, 2018 में, ये भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आयुष्मान भारत का शुभारंभ 2018 में योजना के अंतर्गत कम आय वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में संपन्न हुए 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कौन शामिल नहीं है? इसमें मेघालय शामिल नहीं है। इसकी डिटेल देखते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में, इसमें कौन कौन से राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। और देख लेते हैं इनके बारे में, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर मतदान हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, सीटें प्राप्त हुई थी 54 सीटें, और यहाँ के मुख्यमंत्री बने विष्णु देव साय। अगला है मध्य प्रदेश, इसमें 230 सीटों पर चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में इसमें भी 163 सीट प्राप्त की थी, यहाँ के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम में देखिए 40 सीट थी, इसमें कौन है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट्स, इनको 27 सीट मिली थी, लाल दुमोहा यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। और इसी तरह तेलंगाना है, तेलंगाना के कौन है, तेलंगाना के हैं रेवंत रेड्डी, और राजस्थान के हैं भजनलाल शर्मा, ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पे। और हमारे राज्य मिजोरम के राज्यपाल कौन है, कंभमपति हरिबाबू, छत्तीसगढ़ के विश्व हरिभूषण चंदन, मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल, राजस्थान के कालराज मिश्र, देख इसमें भी राज है, इसमें भी राज है, मतलब ये ट्रिक है, कालराज मिश्र कहाँ के, राजस्थान के, तेलंगाना के तमिल सई सुंदरराजन, ये राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अभी मैंने बताया था रेवंत रेड्डी, और राजस्थान के भजनलाल शर्मा। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके साथ हम देख लेते हैं, चुनई चिरई को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभंकर घोषित किया गया है। विष्णु देव शायद छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो पहले हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है, ये भी पहली महिला मंत्री बनी है, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 राज्यों के चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत मिजोरम में रहा है 80.66%, जबकि सबसे कम तेलंगाना में 71.34% रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अनावरण तिथि है 30 नवंबर 2023। अनावरणकर्ता भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी एवं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। संग्रहालय स्थल क्या है, पासीघाट, पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश। इसमें देखिए हम्पी नाम, हम्प नामकरण क्या है, हवाई मार्ग नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय है। द हम्प मार्ग असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन और म्यांमार से होकर गुजरता है। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, भारत में लगभग 400 अमेरिकी वायु सैनिक लापता हैं, जिनमें अधिकांश के अवशेष उत्तर पूर्व भारत में हैं। ऐसा अनुमान, एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 650 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, निर्माण स्थल कहाँ है, बुरुगीपल्ली, सिद्दीपेटा जिला, तेलंगाना में, ठीक है। निर्माता कौन है, अपसुजा इंफ्राटेक, हैदराबाद। मंदिर में स्थित है 3 गर्भगृह हैं,
पहला क्या है, देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का गर्भगृह, भगवान गणेश को समर्पित मोदक और भगवान शंकर को समर्पित एक चकोर शिवालय। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इस मंदिर में की 35.5 फीट की ऊंचाई पर 4,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में यह विस्तृत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे को प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह साहिबाबाद में किया गया है। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम गलियारे के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उद्घाटन स्थल है साहिबाबाद गाजियाबाद। और इसमें देखिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NTPC की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना में के 800 मेगावाट के पहले संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया है, ऑप्शन बी निजामाबाद। NTPC के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के 800 मेगावाट के पहले संयंत्र का लोकार्पण स्थल हमने देखा निजामाबाद है। इन्होंने किया नरेंद्र मोदी जी ने। क्षमता कितनी है ये भी हम जानते हैं, 800 मेगावाट। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना के पेडापल्ली, ये इम्पोर्टेंट है, जिले में स्थित है और मोदी जी ने इसकी आधारशिला 2016 में रखी थी। NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली सुविधा है जो कि देश की 1/4 आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है पेडापल्ली जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारत में किन दो शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया, ये कोझिकोड और ग्वालियर है। इसके बारे में देख लेते हैं, 31 अक्टूबर 2023 को घोषित किया गया था। इसमें कोझिकोड केरल साहित्य श्रेणी में और ग्वालियर मध्य प्रदेश संगीत श्रेणी में शामिल किया गया है। और भी हैं देखिए श्रेणियाँ, क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क श्रेणी, इसमें 7 श्रेणियाँ होती हैं, शिल्प एवं लोक कला, फिल्म, साहित्य, संगीत, डिजाइन, पाककला और मीडिया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल अब तक भारत के कौन कौन से शहर शामिल है, जयपुर शामिल है शिल्प और लोक कला के अंतर्गत, श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला के अंतर्गत, मुंबई फिल्म के लिए, वाराणसी संगीत, चेन्नई संगीत और हैदराबाद पाककला के लिए। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इस अवसर पर भारत में कि इन दो शहरों सहित कुल 55 शहरों को इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। UCCN नेटवर्क में अब 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हैं और UCCN नेटवर्क में शामिल भारतीय शहरों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया, इस संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। यह हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत को बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा, ये तो सही है। और बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। इसमें हमारा दोनों ही आंसर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हुआ। अब देखते हैं डिटेल में हल्दी बोर्ड के गठन के बारे में। इसकी अधिसूचना 4 अक्टूबर 2023 को दी गई थी। बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त होगा केंद्र सरकार के द्वारा। बोर्ड क्या कार्य करेगा, देश में हल्दी व हल्दी उत्पादों के विकास एवं वृद्धि में फोकस करेगा, हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा, हल्दी क्षेत्र के विकास और विभिन्न वृद्धि में अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। ये हैं इसके, और देखते हैं इसके बारे में इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता एवं निर्यातक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 62% से अधिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए मेरा युवा भारत मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त निकाय है जो 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों को लाभान्वित करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एक संपूर्ण निजी मंच बनाना है, तो इसका ऑप्शन केवल एक सही है, ठीक है। इसकी डिटेल में देख लेते हैं क्या है। यह एक स्वायत्त निकाय है, यह युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग की युवाओं को लाभान्वित करेगा। और इसमें प्राथमिक उद्देश्य इसका देख लें क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसमें युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एक संपूर्ण सरकारी मंच है। उसने क्या बोला था, एक निजी मंच बताया था ना, वही उसमें गलत हो गया था, ठीक है।
और इसका निर्देश्य युवाओं के नेतृत्व में विकास करना, युवाओं की आकांक्षाओं और समुदायों की आवश्यकताओं को बेहतरीन तालमेल स्थापित करना और मौजूदा कार्यक्रमों के समन्वय के माध्यम से दक्षता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए प्रोजेक्ट उद्धव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना और एकीकृत सेवा संस्थान के बीच एक सहयोगात्मक पहले। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। इसमें दोनों ही कथन हमारे सही हैं। इसकी डिटेल में कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। इसकी शुभारंभ करता है रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। पहल है क्या है, भारतीय सेना और एकीकृत सेवा संस्थान के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में नैनो डिपो तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह कलोल में किया गया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कलोल में किया गया है। क्या है ये कि उद्घाटनकर्ता अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, उद्घाटन स्थल कलोल गांधीनगर गुजरात, और संयंत्र की लागत कितनी है, 300 करोड़ रुपये है। एक बोतल नैनो डीएपी तरल का मूल्य 600 रुपये होगा। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जहां पारंपरिक डीएपी की एक बोरी की कीमत लगभग 1300 रुपये है, वहीं किसानों को इसके समतुल्य नैनो डीएपी तरल बोतल सिर्फ एक बोतल सिर्फ 600 रुपये में मिलेगी। यह प्लांट 25 टन डीएपी के बराबर 5 करोड़ बोतल नैनो डीएपी तरल का उत्पादन करेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा करंट अफेयर्स जो कि हमारे आर ओ आर ओ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये है कि अक्टूबर का और इसके साथ ही जो पिछले जो कुछ महीने हैं जिनका आना है एक साल का, इसे पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।